0 डिग्री। इसका मतलब जो करंट का फेजर है, वोल्टेज का फेजर है, दोनों में कुछ इस तरीके का डायग्राम बन रहा है ना। सेकंड कौन पड़ा, एल सर्किट। भाई डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रही है, क्या प्रॉब्लम? एल सर्किट जो है, एल सर्किट में हम लोगों ने फाई पढ़ा था 90 डिग्री। देखिए बताओ, वोल्टेज लीड कर रही थी कि करंट लीड कर रहा था? वोल्टेज, हमने करंट फेजर यहां बनाया था, वोल्टेज फेजर यहां बनाया था। हमने कहा था कि ये 90 डिग्री आगे है। याद करो, इसके अंदर जो रिजल्ट आया था वो ये था, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी से स्टार्ट किया, कहां पहुंचे थे? I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी पे पहुंच गए थे। बोलो, फेज डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। यहां पे भी कहां से स्टार्ट किया था? E से, E नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो I कितना आएगा? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। दिखा था कल ये? तो ये आ गया। तो यहाँ पे 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था। इसको डिराइव करने के लिए यहाँ पे एक नई चीज निकल के आई थी, जिसका नाम कौन था, एक नाम क्या है इसका? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू क्या है इसकी? अरे वैल्यू देख के बता दो यार, कम से कम गूंगे। एक्सएल की वैल्यू कितनी है? ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू 2 pi nu into L। मेडिकल स्टूडेंट के लिए बार बार एडवाइस कर रहा हूं, घर जाके नहीं करोगे नहीं आएगा चैप्टर। मैथमेटिक्स तुम्हारी हैबिट नहीं है इसलिए बोल रहा हूं। प्लीज इन्हीं इन्हीं चीजों को बार बार करके देखिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैपेसिटर सर्किट। इसका क्या नाम होता है? इंडक्टर। हाई पास फिल्टर होगा या लो पास फिल्टर? इसका मतलब ये लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को पास होने देता है ना, उनको कोई रेजिस्टेंस रुकावट नहीं देता। यहां तो कोई डाउट है, कुछ पूछना है? डन। हेडिंग लिखिए कैपेसिटर सर्किट। हेडिंग लिखिए कैपेसिटर सर्किट। देखो जी, अरे जो भी है, कैपेसिटर सर्किट में ये ऐसा है, इसमें सिर्फ कौन आ रहा है? कैपेसिटर ओनली, ओनली कैपेसिटर। ये सी, वोल्टेज कितनी है? ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने आपको कहा था इस वाले की डेरिवेशन में आपको यहां से स्टार्ट करना है, और जैसे ही क्यू आ जाए, आई निकालने के लिए डी क्यू बाई डी टी लगा दो, बस डेरिवेशन खत्म। बोलो क्यू इक्वल्स टू सी वी। वट वी क्या है इधर? ये रही, मैं बार बार लास्ट के लेक्चर से बोल रहा हूँ, वी और ई में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये वी कितना है यहाँ पे? सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन। क्या मुझे आई निकालने के लिए डी क्यू बाई डी टी करना है, डिफरेंशिएशन करना है? बताओ जल्दी, बताओ इसका डिफरेंशिएशन। बोलो इसमें टी वाला कौन? सिर्फ ये, बाकी सब कांस्टेंट। क्या आएगा इधर? सी ई नॉट बार आ गया। बोलो साइन का आंसर, साइन का आंसर डी डिफरेंशिएशन में कॉस। तो यहां पे कॉस ओमेगा टी तो आएगा ही आएगा, और इस ओमेगा टी में से जो ओमेगा है ये आगे आ जाएगा। इंटीग्रेशन में कहाँ आता है? नीचे आ जाता है। क्लियर है यहां तक? अरे नहीं पता क्या ये? किसको नहीं पता? हाँ बोलो इधर बेटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ई नॉट बाय में 1 बाय ओमेगा सी। ध्यान से देखो, आ गया समझ में? ये जो ओमेगा और सी है, इसको मैंने 1 बाय करके लिखा। क्या ये ऊपर जाएगा, सेम बन जाएगा? यस। क्या बन गया ये? कॉस ओमेगा टी। क्या इसको लिख दूं साइन ओमेगा टी प्लस 90? लास्ट डेरिवेशन में कौन था इधर? लास्ट डेरिवेशन में कौन था इधर? माइनस 90। इसका मतलब करंट लैग कर रहा था। करंट क्या कर रहा था? आपने एक चीज नोट की, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं आई का एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं। क्या मैं आई का एक्सप्रेशन साइन की फॉर्म में निकाल रहा हूं? यस। क्यों? ताकि मैं इनके क्या कंपेयर कर सकूं? फेज।
इसका ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी प्लस 90, तो ये आगे आ गया, तो यहां पे ये आई। क्या मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी? वी इक्वल्स टू आई आर, वी इक्वल्स टू आई आर, बोलो क्या है? वी ई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ई नोट हो जाए तो ये आई नोट हो जाता है, ये ई एम हो जाए तो ये आई एम हो जाता है, ये ई वी, बोलो ई वी कौन, बोलो ई वी कौन, आर एम एस वैल्यू, आर एम एस वैल्यू का दूसरा नाम और इफेक्टिव। तो यहाँ पे ईवी आ जाए तो ये भी कौन होगा, ये होगा। बोलो क्या मुझे तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऐसा चाहिए, तो क्या ई नॉट के नीचे पक्का कौन आता है, रेजिस्टेंस कौन आता है? तो ये वाली टर्म किसको दिखा रही है, आर को दिखा रही है। तो इसका मतलब क्या मैं ई नॉट बाय में एक्स सी लिख दूं, इसको पीछे कौन आया था, एक्सएल, यहाँ कौन आ रहा है, एक्स सी। देखो जितना मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा उतना चैप्टर इजी होता है। रीजन क्या है, जितने फॉर्मूले निकलेंगे ना यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करने, वैल्यू पुट करनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अभी जब हम क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे उस वक्त आपको ये फील होगा कि हम कुछ भी सोच ही नहीं रहे हैं, सर्किट देखा, गिवन डाटा लिखा, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा इस चैप्टर में। ये देखो ई नॉट बाई एक्स सी, ये क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस 90। क्या मैं आप लिख दूं इसको आई नॉट, लिख दूं आई नॉट, तो ये आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। क्या ये कंपेरेबल फॉर्म में आ गया? हाँ। क्या मैं अब इस डिब्बे को इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ वन के साथ? यस। क्या फील हो रहा है कि आई आगे है कि पीछे है? आई आगे है कि पीछे है? यहाँ आई क्या कर रहा है, आई लीड्स वी बाय 5/2 या 90 डिग्री, जो भी आप बोले, राइट? क्या इसका जो फेजर डायग्राम है वो कैसा बनेगा, उसका उल्टा? देखो मैंने फेजर डायग्राम बनाते हुए बहुत सिंप्लिसिटी रखी है। अगर आप कोई भी YouTube पे वीडियो देखोगे ना, वो फेजर के डायग्राम आपको साइन कोस के ग्राफ बना के समझा रहा है, पर अभी मैं उसको उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं आ रहा हूं। मैं सिंपल आपको बता रहा हूं कि फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर होता है, किस डायरेक्शन में रोटेट होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरा आई आगे है, वी कहाँ है, पीछे, बन गया डायग्राम। कल कैसे बना था, ये वी कहाँ आया था, ऊपर आया था। कल वोल्टेज आगे थी, आज करंट आगे, दैट्स द डिफरेंस। क्या यहाँ पे एक नई टर्म आई, एक्सी, बोलो एक्सी कौन, वन बाय ओमेगा सी, ध्यान से सुन लो, लिखने का टाइम दूंगा, 1/ωc, ओमेगा की वैल्यू 2π ν, तो ये कितना आ गया, 1/2π ν इंटू सी, डन हो गया। क्या कल मैंने एक्सएल और एक्सी, मतलब एक्सएल की वैल्यू किसके लिए देखी थी, न्यू के लिए, याद करो मैंने कल कहा था कि एसी के लिए देखते हैं। क्या एसी के लिए अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो अब बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यहाँ पे जो एक्सी आ रहा है क्या वो इन्वर्सली आ रहा है, हाँ है ना, ये आ रहा है, न्यू बढ़ेगा तो एक्सी, एक्सी कौन है, रेजिस्टेंस किसका, कैपेसिटर का है, तो रुकावट ना, तो अगर ये न्यू बढ़ेगा तो एक्सी घटेगा, इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को एक्सी कम मिलेगा, कम कम रुकावट कम, तो ये किसको पास होने देगा, हाई वालों को कि लो वालों को, हाई वालों, वो किसको पास कर रहा था, तो ये हाई पास फिल्टर हो गया, तो न्यू ज्यादा एक्सी कम, न्यू कम एक्सी ज्यादा। देखो जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा कि न्यू ज्यादा न्यू कम का मतलब क्या है, वो कैसे इमेजिन करो, देखो ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, राइट, ये फ्रीक्वेंसी कम है, राइट, यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, मीनिंग यहाँ पे अगर एक साइकिल ऐसी है, मतलब अगर एक साइकिल ऐसी है और इस इतने टाइम में अगर मान लो इतनी सेकंड ये इतनी साइकिल बन जाए, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये दूसरे वाले की, तो एक सेकंड में ज्यादा ऑसिलेशन हो रहे हैं, ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो गया, तो ये किसको पास कर रहा है, इसको पास कर रहा है, इसको पास
अब कौन आया बोलो, डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो, डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो तो एक्स कितना, इन्फिनिटी। अरे नीचे जीरो, 1/0 इन्फाइनाइट, तो एक्स कैसा है, मतलब बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये डीसी को पास होने देगा, ये तो रुकावट है ना, और रुकावट इतनी आ गई तो ये डीसी को क्या कर रहा है, ब्लॉक। इधर 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 ध्यान दो, डीसी ब्लॉक, सॉरी कैपेसिटर ब्लॉक, डीसी कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, ये स्टेटमेंट। अभी तक मैंने आपको आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट ये समझाए। यहाँ पे लास्ट में जो आपने सीखा, ये देखो, क्या आपने सबसे पहले ये वाला सर्किट लिया, क्या फिर आपने ये वाला सर्किट लिया, और फिर आपने ये वाला सर्किट लिया, सही है। बोलो एक बार यहाँ देखते हैं, ई की वैल्यू बोलो, ई नॉट साइन ओमेगा टी आई कितना आया, आई नॉट साइन ओमेगा। आपको हर सर्किट का ई और आई पता होना चाहिए। डे वन से बोल रहा हूं, इस एसी के चैप्टर में करंट और वोल्टेज सिर्फ ये दो ही पढ़ने हैं। यहाँ देखो आर के लिए दोनों पढ़े, दोनों को कंपेयर किया, तो फेज कितना आया, जीरो। फेज डिफरेंस है क्या, फेज है, तो डेल्टा फाइव आ गया। यहाँ पे ई कितना आया था, यही था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई कितना आया था, साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो यहाँ पे कौन लीड कर रहा था, आई या वी, वी वी मतलब वी या ई, एक ही बात है, वी लीड्स आई बाय पाई बाय टू। ये ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई कितना आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। डन। जो काम यहाँ पे आर करता है, क्या वो काम यहाँ पे एक्सेल करता है, और यहाँ पे वही काम एक्स ही करता है। क्या एक्सेल की वैल्यू ओमेगा एल और इसकी वैल्यू 1/ओमेगा सी, कोई प्रॉब्लम। तीनों की यूनिट, तीनों की यूनिट ओम, रेजिस्टेंस है। बताओ इसके अलावा कुछ पढ़ा, इसकी डेरिवेशन कैसे करी, वी बराबर आई आर, इसकी वी ई बराबर एल डी आई बाय डी टी, इसकी क्यू इक्वल्स टू सी वी, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी, बस याद भी होगी सारी। शुरुआत यहां से करनी है, पहुंचना यहाँ है, यहाँ पे फाइव कितना आया, 90 डिग्री। कौन लीड कर रहा है इधर, आई, आई लीड्स वी बाय पाई बाय, जल्दी लिखो इसको फटाफट। आर आर बेटे, जो आर यहाँ पे है वही यहाँ पे एक्सेल है, उसका नाम एक्सेल है। इसका नाम क्या होता है, एक्सी का नाम होता है कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। बेटा लास्ट इसका नाम क्या है, टी आर। अब तीनों इकट्ठे आएंगे, देखना ध्यान से, इधर पेन को भी छोड़ दो, इधर देख, एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट। और वैसे एलसीआर में ना दो सर्किट आते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल, लेकिन अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सीरीज पढ़ रहे हैं। ये देखो, अगर मान लीजिए मैं एक ही सर्किट के अंदर ये तीनों चीजें ले लूं, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, रीजन भी, यहाँ पे मैंने वोल्टेज कितनी दी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आप क्या करो, जो कुछ आपने अभी लिखा यहाँ पे, ये आर है, ये एल है, ये सी है, बोलो क्या ये वोल्टेज हमने थी, ये अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड एसी वोल्टेज जो हम दे रहे हैं। क्या आपको लग रहा है सीरीज में करंट सेम रहता है, सीरीज में क्या सेम रहता है, वोल्टेज बढ़ जाती है। क्या मैं मान लूं इस वोल्टेज में से, अरे आवाज नहीं है प्लीज, वी आर यहां चली गई, मतलब क्या इसका, वोल्टेज अक्रॉस आर, वोल्टेज अक्रॉस एल वी एल, वोल्टेज अक्रॉस सी, तो इसको बोल दिया हमने वी सी। मैंने अभी क्या बताया तुम लोगों को, अगर ये आर है, इस आर का काम यहाँ पे कौन करता है, एक्सेल करता है,
क्या वी का फॉर्मूला आई आर होता है? वी का फॉर्मूला आई आर होता है। बोलो यहाँ पे ये जो वी आर है क्या लिखूं? ये वी आर, क्या इसको आई आर लिख दूं और ये आई एक्सएल लिख दूं, ये आई एक्स टी लिख देता हूं। क्या तुम लोगों को इनका फेजर डायग्राम याद आ रहा है? ये यहाँ पे छोटा छोटा फेजर डायग्राम भी बना सकते हो। क्या यहाँ पे आई और वी सेम? यहाँ पे कौन आगे होता है? वी आगे होता है, कितने डिग्री से? 90। यहाँ पे आई इधर होता है और वी इधर होता है 90 डिग्री पीछे, तो एक ही डायग्राम में सब कुछ रिप्रेजेंट हो गया। एक्सएल एक्सी की वैल्यू हमारे को पता है। अब मैं क्या करूंगा, इसी ये जो तीन डायग्राम है ना, ये वाले कौन कौन से? ये वाला और ये वाला, इसको मैं एक ही डायग्राम में बना रहा हूं। ये डायग्राम देखना इधर ध्यान से, फेजर डायग्राम। बोलो टोटल वोल्टेज कितनी है इसकी? ई है ना। क्या मुझे हर बार आई में और ई में रिलेशन देखना है? यस। मुझे नहीं पता ये ई आगे है कि पीछे है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि ई आगे। बाद में जैसा भी आंसर आएगा, प्लस आएगा तो मान लेंगे आगे है और माइनस आएगा तो मान लेंगे पीछे है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे कार्टेशियन प्लेन बनाओ। क्या करना है, जो चीज सेम होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे बनानी है। क्या बोला मैंने? जो सेम है, कौन सेम है इधर? करंट। तो करंट को यहां बना लूं? यस। ये करंट बनाया कि करंट का फेजर बनाया है? करंट का फेजर बनाया है। बोलो अगर मैं कैपेसिटर को देखूं तो कैपेसिटर की वोल्टेज पीछे होती है कि आगे? ये देखो कैपेसिटर की वोल्टेज पीछे है और इंडक्टर की आगे है। इधर मैंने क्या बना दिया? वी एल बना दिया। क्या बना दिया? वी एल। और मैंने मान लिया वी आर इधर है, वी आर इधर है। देखो आई में और वी आर में ऐसा ही रहा। क्या मैं इसको वी आर लिख दूं यहाँ पे? आई और वी आर, ये कौन है? वी एल। ये कौन है? वी सी। क्या ये डायग्राम सही से रिप्रेजेंट कर रहा है इन तीनों को? कर रहा है। लेकिन मेरे को चाहिए कौन? ई। मैंने मान लिया कि ई आगे है, कितना आगे है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5। किताब में यही डायग्राम देखोगे सिर के ऊपर से जाएगा। जिस मेथडोलॉजी से समझा रहा हूं समझिए। बोलो ये वीएल है कि वीएल वेक्टर है? अगर मैं देखूं वीएल और वीसी, तो ये वीएल और वीसी नेट रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है? इधर। तो अगर मैं इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट देखूं कहाँ आएगा बेटे? 7 इधर, 5 इधर। आंसर 2 किधर आएगा? ऊपर है ना। तो ऐसे ही यहां पे आंसर मान ले हम। देखो इसको वीएल मान लो और यहां पे क्या मान लो? क्या तुम्हें लग रहा है मैंने वीएल की, अरे इधर इधर, क्या मैंने वीएल की टेल लंबी दिखाई है इससे? इसका मतलब मैंने क्या बताया कि वोल्टेज जो एल की है ये ज्यादा है। अब यहां पे क्या आ रहा है? वीएल, वीएल माइनस वीसी। अगर बहुत ज्यादा करेक्ट होना चाह रहे हो वेक्टर लगा दो इनके ऊपर, नहीं तो ये वेक्टर दिखाई रहा है। क्लियर है यहां तक? ये हो गया। क्या करो, क्या तुम्हें यहाँ ट्रेंगल बनती नजर आ रही है? बनती नजर आ रही है। ये कौन है? वोल्टेज है कि नहीं है? ये कौन है? वोल्टेज। वीएल माइनस वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग से चेंज नहीं होता, पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर चेंज। इसको उठा के यहाँ रखो, ये भी तो वीएल माइनस वीसी हो गया। ये हो गया। अब क्या करो, इस ट्रेंगल को बाहर निकालो एक बार। इस ट्रेंगल को बाहर निकाला हमने, क्या ये ई दिखा रहा है? अगर सारी की सारी साइडें वोल्टेज दिखा रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वोल्टेज है, तो तुम्हें ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या लेनी पड़ेगी? वोल्टेज। ये वाली वोल्टेज कितनी है? ये कितनी है? वीएल माइनस वीसी। क्या तुम्हें लग रहा है यहाँ पे ये एंगल फाई है, यहाँ पे जो ई है ये पाइथागोरस से आ जाएगा? पर तुम्हारे लिए अननोन क्वांटिटी कौन है? फाई। क्या तुमने लेट किया? लेट किया, लेट ई लीड्स आई बाय बाय फाई, ये हमारी अजम्पशन है भाई। ये बोलो अगर ये एंगल ऊपर तो एंगल कैसा आएगा? पॉजिटिव। ये एंगल नीचे है तो एंगल नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? एंगल निकालने का कौन करता है काम?
टेंजेंट कौन करता है बोलो, टेंजेंट कितना आएगा, टेंजेंट 5 परपेंडिकुलर बाय VL माइनस VC बाय VR, आ गया क्या नहीं आ गया? क्या यहां से जो भी वैल्यू पुट करोगे, क्या VL को जानते हो? VL को क्या, ये तो IXL था, क्या ये IXC था, ये क्या I कट गया, क्या बचा बोलो, ये सबकी क्या थी वोल्टेज, ये सबके क्या है? तो टेंजेंट फाई के दो फॉर्मूले निकले कि नहीं निकले? ये रेजिस्टेंस की टर्म में और ये रेजिस्टेंस की टर्म में, ये वोल्टेज की टर्म में। आप बोले सर अगर टेंजेंट फाई ऐसे लिखा जा सकता है, क्या ये ट्रायंगल इसको देख के नहीं बनाई जा सकती? बनाई जा सकती है, लेकिन उससे पहले एक काम करो, ये देखो क्या यहाँ पाइथागोरस लगाए, अप्लाइंग पाइथागोरस, बोलो ई का स्क्वायर किसके बराबर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, डन। अब यहाँ पे जो VL VC और VR है इनकी वैल्यू जानते हो, वही IR वाले भरो यहाँ पे, क्या यहाँ पे I भरूंगा I बाहर आ जाएगा, अरे यहाँ पे IXL IXC होल स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर, क्या I का स्क्वायर कॉमन, यहाँ भी I का स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे आ गया आई स्क्वायर आ गया, और यहाँ बचा एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिंपल मैथमेटिक दसवीं क्लास का। यहाँ पे ई स्क्वायर चल रहा है, मैंने क्या कहा था कहाँ से चलना है, पहुंचना कहाँ है, आई पे करें, यहाँ से आई निकालो, आई कितना आएगा, ई स्क्वायर रूट हो जाएगा ना इसका, ये लो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अगर मैं यहां से आई निकालू तो ये ई हट गया, क्या इस पे रूट आ गया, ये रूट आ गया ना, ये आई आ गया है ना, जेड हो गया। सो ये क्या है, देखो क्या आई तो वोल्टेज बटे में रेजिस्टेंस होता है, तो ये पक्का ये वाली टर्म किसका काम कर रही है, रेजिस्टेंस का, लेकिन ये रेजिस्टेंस किसका है, एल सी आर का, L का था XL, C का कितना था, LCR का कितना है, Z, तो यहां पे हम इसको E बाय Z से रिप्लेस कर देंगे, करते हैं Z से रिप्लेस, ये हो गया। अब इस Z का नाम हमने बोला इम्पीडेंस, क्या बोला, इम्पीडेंस, बोला Z की वैल्यू कितनी लिखी तुमने, फिर Z की वैल्यू लिखी XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, क्या इस इक्वेशन को देख के ऐसा नहीं लग रहा है पाइथागोरस है, जेड का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये क्या यही चीज इससे भी आ रही थी, हम क्या करेंगे वहां से ट्रेंगल बना के देखो, अगर मैं यहां से ट्रेंगल बनाऊ, यहां से बोलो क्या बनेंगे, क्या फाई ये बन जाएगा, परपेंडिकुलर कौन, ये कौन आर, ये कौन, नॉन एज इम्पीडेंस ट्रेंगल, क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस ट्रेंगल, जिसका पाइथागोरस, जिसका हाइपोटेन्यूज इम्पीडेंस दिखाए, परपेंडिकुलर ये दिखाए, बेस ये दिखाए, यही डेफिनेशन है इसकी, ए ट्रेंगल विच रिप्रेजेंट्स हुज हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट्स जेड विच इज, क्या है ये रेजिस्टेंस ऑफ एल से, यूनिट क्या होगी इसकी, ओम, इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम होगी, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ क्या इस एल सी आर में, वेट ए मिनट, इस एल सी आर में ये हट गया, क्या बन गया, एल आर है ना, एल हटा दिया आर सी, पढ़ के आए हैं पहले, एल आर ई एम आई में पढ़ाया, आर सी कैपेसिटर में पढ़ा है, तो यहाँ पे आर सी सर्किट और एल सी एल सी आर एल आर कोई भी बना लो, जैसे किसको जीरो लेना, हाँ 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 आएंगे अभी, लिखो इसको फटाफट, तभी यहां से ऐसे चले हैं, पहले ये फिर ये पाइथागोरस लगाई, यहां से निकला जेड और ये ट्रेंगल बना दी, इसके बाद लास्ट में वोल्टेज अक्रॉस आर,
वी आर, वोल्टेज अक्रॉस एल और वोल्टेज अक्रॉस सी, वी एल वी सी आई एक्स आई आर आई एक्सएल आई एक्स सी, ये सारी चीजें हमने खुद की है और ये अजम्पशन थी बस। बच्चों को डेरिवेशन याद क्यों नहीं होती? क्योंकि वो उसको उसको पता क्या बना देते हैं, उसको हिस्ट्री का पाठ बना देते हैं। हिस्ट्री का पाठ नहीं बनाना, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। चलनी देखो, इस डायग्राम में सब कुछ आ गया, इस डायग्राम से ये सब आ गया, ये ट्रायंगल बनी, यहां से टेंजेंट लगाया और पाइथागोरस लगाई, खत्म, सारी डेरिवेशन हो गई यहां से। एक्सरसाइज वन, सेक्शन ए एंड बी कंप्लीट, सेक्शन ए एंड बी कंप्लीट, बस यही करके आना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 58 टोटल, कल आते ही काम चेक करूंगा, पहले बता रहा हूं। देखो बेटा इधर, अभी हम लोगों ने दो चीजें निकाली हैं, एक तो कितना है फाई, और फाई कहां से आया है, टेंजेंट फाई से। अरे क्या, अभी हम लोगों ने टेंजेंट फाई निकाला, एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर, और क्या निकाला, वीएल माइनस वीसी बाय वीआर, जेड की वैल्यू कितनी निकली, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये निकली ये। अब क्या करेगा, इन सर्किट को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस कैसे करेगा, सबसे पहले यहां देखिए, एक बार तो पहले देखो, अगर यहां से पहला पॉइंट है, अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा आ रहा है, अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा आ रहा है, वैल्यू कैसी आएगी, अरे टेंजेंट फाई पॉजिटिव नहीं आएगा क्या, आएगा। अगर टेंजेंट फाई पॉजिटिव, तो फाई पॉजिटिव, तो फाई पॉजिटिव ले रहे हैं, तो वोल्टेज लीड करेगी कि लैग करेगी, हमने कैसी मानी थी, लीड करती हुई मानी थी, आंसर कैसा आया, इसका मतलब हमारी अजम्पशन सही है, तो इसका मतलब E लीड्स I बाय फाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए सेकंड केस में XL छोटा आता है एक्सी से, तो यहाँ पे टेंजेंट फाई कैसा आएगा, नेगेटिव, क्या ये इंडिकेट करता है फाई नेगेटिव है, अरे हाँ या ना, तो फाई ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, नीचे बनेगा, तो टेंजेंट फाई, यहाँ पे फाई नेगेटिव, तो V क्या होगा, E लैग करेगा किसको, मतलब E लैग्स I बाय फाई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। क्या करता है बेटे यहाँ पे, सर्किट का रिडक्शन करता है, कैसे, पहला LR सर्किट बना देगा, LR सर्किट में कौन हटा दिया, C, तो सी वाले सारे पत्ते हटा दे, बोलो LR में सर्किट कैसा बनेगा, सिर्फ ये दोनों आएंगे, ऐसा आएगा, बोलो टेंजेंट फाई कितना आएगा, ओए इधर देख, एक्सएल बाय आर आएगा, सी हटा दिया, एक्सी को हमने जीरो कर दिया, बोलो यही चीज टेंजेंट फाई, क्या वीएल बाय वीआर हो जाएगी, और जेड कैसा हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, डू यू नो एक्सएल, ओमेगा एल कितना होता है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू एल का होल स्क्वायर। देखो इधर, अगर ये न्यू बढ़ा दें, न्यू 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 न्यू, तो जेड बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, इसका मतलब जो जेड है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा, प्रोपोर्शनली अकॉर्डिंगली इसका ग्राफ बन जाएगा। इधर देखो एक बार, सेकंड, दो मिनट बस, ये देखो सेकंड आरसी सर्किट, आरसी में कौन हटा दिया, एल हटा दिया, तो टेंजेंट फाई बोलो कितना आएगा, क्या माइनस एक्ससी बाय आर, एक चीज नोट किया आपने, मैंने यहां से एक्ससी हटाया, क्या इसका आंसर तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, अगर ये फाई पॉजिटिव आ गया तो यहां पे वोल्टेज करंट को लीड करेगी,
कलेक्ट करेगी, लीड करेगी, तो यहाँ पे वी लीड्स आई। अच्छा, आरसी सर्किट में ये माइनस आ रहा है, तो ये फाई नेगेटिव आ रहा है ना, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या करती है, लैग करती है आई बाय फाई, जो भी आएगा। एक चीज यहाँ क्या, इसका फॉर्मूला माइनस वीसी बाय वीआर भी होता है, टेंजेंट फाई का फॉर्मूला माइनस वीसी बाय वीआर। आगे आओ, जेड जेड बोलना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, तो प्लस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल गया, तो यहां बोलो फॉर्मूला बोलो, आर स्क्वायर प्लस वन बाय टू पाई न्यू सी पूरे का स्क्वायर। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है, ये न्यू बढ़ाएंगे ये घटेगा तो ये भी घटेगा, इसका मतलब जो जेड है, जेड क्या वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया न्यू के, तो आरसी सर्किट में इंपीडेंस फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली होता है। बचा कौन, कौन सा सर्किट, थर्ड एलसी सर्किट, वो एलसी सर्किट के बारे में चीजें मैंने बता दिया है ना, ये एलसी सर्किट में क्या होगा, एच डब्ल्यू करके आना, बच्चों के डाउट लेने टेस्ट में।